सो हे गाइस व्हाट इज अप, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे सोम, और ये हमारे पीछे हमारा है शोरूम जो कि अभी अभी हमने बनाया, और ये कार का शोरूम है। और ये यार हमने खुद ने बनाया, मतलब एक एक ईट इसकी खुद से जोड़कर हमने इस शोरूम को बनाया है। तो फिलहाल हमारा ये जो शोरूम है बस नाम के लिए ही शोरूम है, क्योंकि यहाँ पर शोरूम भैया क्या मतलब, हमने कार का शोरूम है ना, तो गाड़ियाँ किधर है यार, तो गाड़ियाँ फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने यार शोरूम अपना मतलब खोले, तो अभी हम लोग आज गाड़ियाँ उठाने के लिए जाने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट से गाड़ियाँ क्यों भाई, एयरपोर्ट से गाड़ियाँ इसलिए बिकॉज हम लोग यहाँ पर इंडियन शोरूम खोलने वाले हैं, एंड हमने इंडिया से कार इम्पोर्ट कराई है ताकि हम लोग इस शोरूम में इंडियन कार्स मतलब रख सके और बेच सके, क्योंकि यहाँ पर GTFI के अंदर इंडियन कार्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर रास्ते पे खड़ा भी रहूँ ना, तो एक ना एक इंडियन कार मेरे को जाते हुए दिखेंगी। अब देखो ये तो इंडिया की कार नहीं थी, ये जो जा रही है ये भी इंडिया की कार नहीं है। अबे कोई तो दिख जाए यार, मेरी बेइज्जती मत करा यार, इंडिया की गाड़ी ये भी तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये जो आ रही है ये है क्या यार, ये भी नहीं है भाई इंडिया की गाड़ी। बट हाँ इंडिया की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा घूमती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को जब दिखेगी तब। अबे यार जब ज़रूरत होती है तब ही चीज़ें नहीं दिखाई देते, आज इंडिया की गाड़ी दिखनी चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बट दिख नहीं रही है अबे यार। बाकी छोड़ो यार इंडिया की गाड़ी, बट हमारा ये जो शोरूम है ये काफ़ी मस्त सा लग रहा है। बट मेरे को विश्वास है कि मेरे को, मैं अगर ढूंढना जाऊँ तो मेरे को इंडिया की गाड़ी मिल ही जाएगी। चलो थोड़ा सा दौड़ दौड़ के चलते, वैसे दौड़ दौड़ से चलने से पहले मैं कॉल कर लेता हूँ ट्रक वाले को, ताकि जो ट्रक वाला है मतलब वो आ सके हमारे लिए, हमारी गाड़ियाँ लेने के लिए। वो देखो गाइस वो देखो इको स्पोर्ट मेरे को जाते हुए दिखी, अबे यार शिट शिट शिट, बट हाँ मेरे को दिखी थी यार वो इको स्पोर्ट वहाँ पे जाते हुए, वही इको स्पोर्ट जा रही है, तो मतलब हाँ इंडियन गाड़ियाँ रहते हैं भाई, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था आपको। एक तो इंडियन गाड़ी दिखी ना, मतलब हाँ मार्केट है, हाँ तो वही मतलब अभी इंडियन गाड़ियाँ है बट कम है, तो हम लोग उस ही चीज़ को हासिल करना चाहते हैं कि GTFI के अंदर भी काफ़ी सारी इंडियन कार्स घूमे हैं, ताकि हम लोग उनको देखकर थोड़ा सा प्राउड फील कर सके, तो हम लोग इस वजह से इंडियन कार्स का शोरूम खोल रहे हैं। इनफैक्ट इंडियन ही नहीं, हम लोग बाकी देशों की भी गाड़ियाँ जैसे जैपनीज कार, जैसे मैक्सिकन कार, ये सारे कार्स भी रखने वाले हैं, यानी कि ऑल इन वन शोरूम होने वाला है, लेकिन हम लोग सबसे पहले इंडिया की कार्स ही इम्पोर्ट कराने। तो गाइज यहाँ पर फाइनली अपने जो ट्रेलर है वो आ चुके हैं, और ये ट्रेलर भी भाई बजट कम होने की वजह से हमने ये वाली ट्रेलर बुलाया, मतलब ये भी ट्रेलर ही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ इसमें भी आ जाता है, बट वही बात है कि इसको ले जाने वाला एक बोटा सान ट्रक नहीं बल्कि बिचारी सी पिद्दू सी एक गाड़ी है, बट ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मजाक की बात साइड में, ये गाड़ी टक्कर को भी टक्कर दे दे, सॉरी ट्रक को भी टक्कर दे दे। तो गाइज अभी ये गुप्ता जी जो है ये गड्डी को चलाने वाले हैं और एयरपोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमारे इंडियन कार्स इंतजार कर रहे हैं हमारा। अंदर से ये जो गाड़ी है वो ऐसे कुछ दिख, और साइड में जो है वो फ्रैंकलिन बैठ चुका, और आगे जो पैर आप देख पा रहे हो ये अपने माइकल भाई साहब के, माइकल भाई साहब हमेशा अपने खतरों के खिलाड़ी ही है, हमेशा उनको कुछ ना कुछ करना ही होता है। लाइक यार पीछे भी जगह थी, माइकल पीछे भी बैठ सकता था, बट नहीं माइकल को बैठना है आगे, थोड़ी सी मस्ती करना है माइकल को, उम्र हो गई है लेकिन मस्ती नहीं गई भैया उनकी अभी तक के। तो मैं यहाँ पर फटाफट से एयरपोर्ट का जो मैप है वो लगा लेता हूँ, भाई ये एयरपोर्ट है कि नहीं ये एयरपोर्ट है, तो फटाफट से अपन एयरपोर्ट का मैप लगा लेते हैं और अभी चलते हैं एयरपोर्ट पे। इतना मस्त सीन है भाई यहाँ पर, देखो ये आपकी क्या है उसका नाम भाई, बट इंडियन कार थी फोर्ड इको स्पोर्ट, हाँ तो दिखी ना, वही मैं बोल रहा था कि इंडियन कार्स की भी डिमांड GTFI के अंदर बहुत है, लेकिन वही शोरूम एक भी नहीं है, सब इम्पोर्ट करा कर लाते हैं। और ये माइकल यहाँ पर ऐसे कैसे गिर गया भाई, ये मतलब गिरा नहीं है वो, लेट गया भाई, उसको बोर हो रहा होगा तो वो लेट गया बेचारा वहाँ पे। देखो अंदर से क्या ही माइकल का व्यू दिख रहा है, बहुत ही मतलब कुछ अलग ही व्यू दिख रहा है भाई हमको यहाँ पे माइकल का तो। हाँ मैं यही कह रहा था कि इतना मस्त सीन है, माइकल यहाँ पे शान से बैठा हुआ है और इतना मस्त हमारे पास ट्रेलर है, तो क्यों ना अभी ड्रोन शॉट उड़ाया जाए और इसके मस्त अमेजिंग से ड्रोन शॉट्स लिए जाए। तो लेट्स गो ड्रोन उड़ाते हैं। और वाओ ये हाईवे के साइड में कितना मस्त किसी का तो भी प्यारा सा घर है यार, ऐसा घर अपने को भी बनाना पड़ता है। तो चलो अभी फटाफट से चलते एयरपोर्ट पे, अभी डायरेक्ट मैं आपको एयरपोर्ट जाके ही मिलता हूँ।
देखो आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते होंगे, ठीक है, ये ट्रक के मुकाबले काफी गंदा सा दिखता है, लेकिन देखो ये औरत यहाँ पे फोटो भी खींच रही थी भाई हमारी। और देखो ट्रक ऐसा पलट नहीं सकता, बट ये जो है ये ऐसी पलट सकती है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ये चीज़ें, छोटी दिखती है तो, लाइक मेरा चैनल भी अभी छोटा है, तो प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आप ही वो लोग हो भाई जो कि इस चैनल को बड़ा करोगे। क्योंकि मतलब भगवान ने आपको चुना है कि बाकी लोगों से पहले आप मेरे चैनल को देखो, इसलिए काफ़ी पहले आप मेरे चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी लोग मेरे चैनल को देख सके एंड चैनल काफ़ी बड़ा हो सके, प्लीज़ प्लीज़। हाँ तो मैं ये प्लीज़ बोलने के चक्कर में यहाँ पे घूमे जा रहा हूँ भाई। तो अभी फटाफट से एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे अपना कार्गो जो है वो इंतज़ार कर रहा होगा। तो आई थिंक एयरपोर्ट की एंट्री यहाँ से मतलब होने वाली है अपनी अंदर घुसने के लिए। अबे यार दरवाज़ा भी नहीं खोलते पहले ही, हमारी स्पीड ज़्यादा होती इनको लोगों को पता नहीं है क्या भाई? मैं भाई भी इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ? गाइस यार हमारा कार्गो प्लेन, आई थिंक ये जो आपको आगे जो दिख रहा है ये वाला है, आई थिंक हमारे गाड़ियाँ जो है इसी के अंदर आया है। एक बार देखते हैं अपनी ये वाली गाड़ी को, तो यहाँ पर पार्क कर दे भाई। नहीं नहीं अपने को गाड़ियाँ इस पर चढ़ाना भी होगा ना, तो अपने गाड़ी को हम लोग इधर इधर पार्क करते हैं ताकि हम लोग सीधा निकाल के उनको यहाँ पर लोड करवा सके। तो चलो आई थिंक अपना ये वाला ही कार्गो प्लेन है, इसको खोल कर देखते फटाफट से। गाइज अपना ये प्लेन फाइनली खुल रहा है और भाई अपने को गाड़ियाँ भी दिख गए, तो चलो चलते अपन लोड करते हैं मतलब ये वाले गाड़ियाँ फटाफट से इधर। अपने को ना ये वाले गाड़ियाँ देखते सबसे पहले तो कौन कौन से गाड़ियाँ अपने कार्गो प्लेन में आए हैं। तो भाई सबसे पहले अपने पास यहाँ पर सिटी देखने को मिल रही है, ओ माय गॉड क्या ही नई नई सिटी है। और ये अपनी स्विफ्ट डिज़ायर, मतलब सिर्फ डिज़ायर ही कह लो। इसके दरवाजे क्यों खुले भैया? ओ बे ये कैसी स्क्रैच आ गई है अपनी क्रेटा पे? अब यार ये डिफेक्टिव पीस भेजे क्या इंडिया से हमें? शिट मैन, ओ टाटा अल्ट्रोस तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है, और इसका इंटीरियर भी भाई प्यारा है बहुत ज़्यादा बीच कलर में। और ये आपको अपने और ये अपने यहाँ पर टाटा नेक्सॉन है, और ये आई थिंक सेलेरियो है, जो नई वाली सेलेरियो है, मारुति सुजुकी सेलेरियो, हाँ ये वही है। और ये फॉर्च्यूनर सबकी पसंद, और ये बलेनो भी यहाँ पर आई। और ओ एक मिनट अबे ये गाड़ियाँ थोड़ी सी डिफेक्टिव की हुई है भैया, ये देखो यहाँ से पिचकी पड़ी है। अबे यार इनको पेमेंट कम कराना पड़ेगा, ढंग से लाकर नहीं दिए इन कार को, प्लेन बुक कराया फिर भी इन्होंने लाकर नहीं दिया। और ये जीप कंपा, ये जीप कंपास की सीट क्यों मुड़ी है भाई? ओ ओ तेरी तेरी तेरी, इधर से भी मुड़ा है ये, हे भगवान। आई थिंक इसका ऊपर का जो ये ग्लास है ये भी मुड़ा पड़ा है। ओ भाई ये तो पूरा डिफेक्टिव माल भेजा है भाई इन्होंने, पहला ही दिन हमारा शोरूम का पहला ही ऑर्डर और इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ, ये तो गलत बात है भाई। बट कोई नहीं, ऐसे बिजनेसेस में चैलेंजेस आते हैं और फेस करना हमें आना चाहिए। और वैसे भी हमने उनको पेमेंट कम करना ही है अभी भैया, डिफेक्टिव भेजे हैं तो पेमेंट, अब इनको वापस ले जाएंगे तो वो कुछ तुक नहीं बनता, तुक ये बनता है कि अभी इनको पेमेंट कम करेंगे और इनको थोड़ा बहुत पैसा लगा के थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बेच देंगे भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। गाइज यहाँ पर ये जो अपना क्या बोलते हैं उसको, ये जो अपना ट्रेलर था इसको भी हमने अनलोड करा रखा है, इसको भी खोल दिया ताकि हम लोग यहाँ पर अपने गाड़ियाँ जो है वो रख सके। भाई साहब सॉरी मैंने आपको धक्का दिया, बट ये देखो यार हमारा कार्गो प्लेन कितना ज़्यादा बड़ा था, और अभी एक एक करके हमको यहाँ पर सारे गाड़ियाँ लोड करवाने पड़ेंगे भाई साहब। वो माइकल तो उधर सो रखा है भाई। ओके सो गाइज यार यहाँ पर अपने सारे के सारे गाड़ियाँ जो है वो आ गए, मतलब अनलोड करवा दिए प्लेन वाले ने, तो अभी हम लोगों को एक एक करके रखना है। और मेरे को नहीं लगता कि एक ट्रेलर में सारे के सारे गाड़ियाँ आ सकेंगे वहाँ पर, बट देखते ट्राई करके देखते भाई एक बार कि अपने इस कार्गो में वो आ भी पाते या नहीं। तो ऑल राइट गाइज यार इस वाले वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आपने इस वाले वीडियो में देखा कि हमने एयरपोर्ट से इंडियन कार्स ला ली है एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो चुकी है, तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो से यहाँ मतलब अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो या फिर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी हम लोग मतलब मैं फ्रैंकलिन एंड माइकल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से, मेरे दिल की तरफ से, उनके दिल की तरफ से लव यू एंड पीस आउट।
अबे भाई रहम करो रे बेचारे खरगोश पे, रहम करो भाई।